हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नौकरी एसपीरेंट गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी को फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी दो तो हज़ार तेईस की हरियाणा करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले हरियाणा के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पूरी फरवरी मंथ की हरियाणा करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे हम जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है फ्रेंड्स आपके लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू अगर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और जल्दी से आप सब लाइव आ जाइए हम आप आज का हमारे सेशन शुरू करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा तो कहाँ पर किया जाएगा अग्निशमन सेवा परीक्षण केंद्र तो राइट आंसर हो जाएगा ए जिंद ज़िले में किया जाएगा और जिंद जिले को हरियाणा का हार्ट भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में प्याज उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा तो किस जिले में बनाया जाएगा तो आंसर हो जाएगा बी मेवात ज़िले में और मेवात का नया नाम क्या है मेवात का नया नाम कर दिया गया है अब नुह और पुराना नाम क्या था मेवात से पहले सत्यमेव पुरम पूरम था उसका नाम नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में खसरा रूबेला चेकअप अभियान की शुरुआत की गई है तो किस जिले में की गई है तो आंसर हो जाएगा हमारा डी मेवात और पलवल दोनों जिलों में रूबेला चेकअप अभियान की शुरुआत की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के किस खिलाड़ी का नाम बी साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामनित किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा डी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दोनों का नाम बी साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामनित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर गुरु रविदास के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा तो कहाँ पर बनाया जाएगा ये मेडिकल कॉलेज गुरु रविदास के नाम पर तो आंसर हो जाएगा बी रसूलपुर रसूलपुर में गुरु रविदास के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया है तो किस मुख्यमंत्री की जयंती पर यह टिकट जारी किया गया है तो आंसर हो जाएगा ए राव बीरेंद्र सिंह राव बीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी जयंती पर डाक टिकट जारी किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का आयोजन किया गया है कहाँ पर किया गया है ये आंसर दीजिए हरियाणा में कहाँ पर ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का आयोजन किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए चंडीगढ़ में चंडीगढ़ शहर में किया गया है इस एक्सपो का आयोजन और चंडीगढ़ शहर को रोज गार्डन भी कहा जाता है आपको पता होगा कि चंडीगढ़ शहर में सबसे ज़्यादा रोज गुलाब के फूल पाए जाते हैं इसलिए उनको रोज़ गार्डन भी कहा जाता है अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा का पूरा कामकाज किस भाषा में शुरू किया जाएगा तो किस भाषा में शुरू किया जाएगा आंसर हो जाएगा सी हिंदी भाषा में विधान सभा का पूरा कामकाज शुरू किया जाएगा और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है सभी को पता होगा देवनागरी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर सवर्ण जयंती पर्यावरण प्रेक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है तो कहाँ पर की जा रही है इसकी स्थापना आंसर दीजिए साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसका स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रेक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है तो हरियाणा में कहाँ पर की जा रही है तो आंसर हो जाएगा बी मानेसर में गुरुगाँव के मानेसर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रेक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा शिशु गृह नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है कौन सा राज्य बना है हरियाणा शिशु गृह नीति लागू करने वाला देश का तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए पहला पहला राज्य बन गया हरियाणा का शिशु गृह नीति लागू करने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक टीवी मुक्त करने का फैसला रक, कर, रखा है लक्ष्य रखा है तो कब तक टीवी मुक्त हो जाएगा हरियाणा तो हमारा राइट आंसर है 2025 2025 तक हरियाणा सरकार ने राज्य को टीवी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में नया ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान स्थान स्थापित किया जाएगा कहाँ पर किया जाएगा ये आंसर दीजिए नया ड्राइविंग परीक्षण एवं अनुसंधान स्थान स्थापित किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा ए भिवानी और नूह में भिवानी और नूह इन दोनों जिलों में ड्राइविंग परीक्षण एम्स अनुसंधान स्थान स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स आपको बता दें भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और इनको मंदिरों का नगर भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा मंदिर भिवानी जिले में इसलिए इनको मंदिरों का नगर कर और छोटी काशी भी कहा जाता है और भिवानी जिला कब बना था ये पूछा जाए तो भिवानी जिला बनाया था बाईस दिसंबर उन्नीस को बाईस दिसंबर उन्नीस को बना था भिवानी जिला नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा तो किस व्यक्ति को दिया गया है जीवन रक्षा पदक आंसर हो जाएगा ए क्रमवीर सिंह को नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में उनतीसवें उनतालीस उनतालीसवें राज्य स्तरीय पशुधन मेले का आयोजन किया गया है तो किस राज्य में किया गया है उनतालीसवें राज्य स्तरीय पशुधन मेले का आयोजन तो राइट आंसर होगा हमारा बी चरखी दादरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में देश का पहला विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है तो कहाँ पर की गई है हिंदू विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय की स्थापना तो आंसर हो जाएगा सी गुरुग्राम में गुरुग्राम में की गई है फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी रही है वीडियो को लाइक कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी में कारों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा कहाँ पर क्या आ जाएगा ये कारों का क्रैश टेस्ट आंसर हो जाएगा बी मानेसर में नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है तो आंसर दीजिए किसे नियुक्त किया गया है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सीईओ तो आंसर होगा ए डी सिंह को नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में कब से हरियाणा पुलिस का नया झंडा लॉन्च किया गया है तो कब से किया गया है हरियाणा पुलिस का नया झंडा आंसर हो जाएगा सी चौदह फरवरी दो से नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य वित्त वर्ष दो हज़ार बाईस तेईस में देश कुल जीएसटी कलेक्शन में कौन से स्थान पर है तो कौन से स्थान पर है कुल जी एस टी कलेक्शन में है? आंसर हो जाएगा डी चौथे स्थान पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर संत श्रोमणी गुरु रविदास के नाम पर स्मारक बनाया जाएगा तो कहाँ पर बनाया जाएगा हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा सी पीपली पीपली कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती और पीपली में कौन सा चिड़ियाघर है फेमस है जो दे मिनी चिड़ियाघर दे मिनी चिड़ियाघर है पीपली में पीपली में पाया जाता है द मिनी चिड़ियाघर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क विकसित किए जाएंगे तो किस जिले में किया जाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आंसर हो जाएगा डी सभी में अंबाला महेंद्रगढ़ और हिसार इन सभी जिलों में मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क विकसित किए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के पंचकुला जिले में किसके द्वारा बी एस सिक्स उसर्जन मानक वाली सत्तर नॉन ए सी बसों का शुभारम्भ किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है आंसर हो जाएगा हमारा बी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है मानक नॉन सेवेंटी सेवनटी नॉन बसों का शुभारम्भ नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सियाना चोपड़ा तंजानिया में स्थित मेरू पर्वत को फतेह किया है तो किस जिले की है सियाना चोपड़ा जिन्होंने तंजाना में स्थित मेरू पर्वत को फतेह किया है आंसर हो जाएगा बी करनाल जिले की है सेना चोपड़ा कहाँ की है करनाल ज़िले के जो मेरू पर्वत जो तंजानिया में है उसको फतेह किया है फ्रेंड्स आपको बता दें करनाल करनाल जिले में करण झील पाई जाती है और करनाल को धान के कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर धान की खेती अधिक होती है इसलिए उनको धान का कटोरा कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मैर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक साइंसेज का शिलान्यास किसने किया है तो किसने किया है आंसर दीजिए हरियाणा में मैसी दयानंद विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक साइंसेज का शिलान्यास किसने किया है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी मनोहर लाल खट्टर ने नेक्स्ट क्वेश्चन ने? है हरियाणा के किस जिले में इंजन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी तो किस जिले में किया जाएगा ये आंसर दीजिए तो आंसर हो जाएगा हमारा बी हिसार में हिसार जिले में इंजन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और हिसार जिलों में क्या है अग्रोधाम भी हिसार ज़िले में ही है और ओ पी जिंदल पार्क ओ पी जिंदल पार्क भी ईसाई ज़िले में है और हिसार ज़िले का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या है तो हिसार ज़िले का पुराना नाम था हिसार ए फिरोज़ा हिसार ए फिरोजा नाम था पहले हिसार ज़िले का और किसने रखा था इनका ये नाम तो फिरोजा तुगलक ने रखा था हिसार का नाम हिसार ए फिरोजा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सभी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित एग्जाम मेटेरियल क्वीज पेपर पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं यह हमारी वेबसाइट है यहाँ पर जाकर आप गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित आप कोई भी क्वीज नोट्स पी डी एफ एग्जाम से मटेरियल क्वीज आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट उपकरण लगाए जाएंगे तो किस जिले में लगाए जाएंगे ये किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट उपकरण लगाए जाएंगे तो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा डी फरीदाबाद और गुरुग्राम इन दोनों जिलों में लगाए जाएंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य प्रेजिडेंट कलर पुरस्कार हासिल करने वाला देश कौन सा राज्य बन गया है तो कौन सा राज्य बना है ये आंसर हो जाएगा दसवा दसवा राज्य बना है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार हासिल करने वाला हरियाणा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में गांव के व खेड़ा की खोदाई में दूसर मांड के अवशेष मिले हैं तो किस जिले में मिले हैं ये आंसर बताओ जल्दी से कमेंट करो कौन सा आंसर होगा इसका हरियाणा के किस जिले में गांव कैसी खेड़ा की खोदाई में दूसर मंद मार्ड के अवशेष मिले हैं तो ये किस जिले में मिले हैं तो आंसर हो जाएगा बी पलवल में पलवल जिले में मिले हैं ये अवशेष नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कब से सांझी डेयरी परियोजना की शुरुआत की गई है तो कब से की गई है सांझी डेयरी परियोजना की शुरुआत आंसर हो जाएगा सी चौदह फरवरी दो से की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव के रोहतास किलहरी ने अफ्रीका महाद्वीप की पांचवी सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू को फतेह किया है तो किस जिले के हैं वो बताओ जल्दी से रोहतास किलहरी ने अफ्रीका महाद्वीप की पांचवी सबसे ऊंची है चोटी जो माउंट मेरू उनको फतेह किया है तो कौन से गाँव के हैं रोहताज किलहरी ये पूछा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी मल्लापुर मल्लापुर गांव के हैं रोहतास किलहरी फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाना साथ ही साथ कमेंट्स करके बताते रहना कि वीडियो कैसी लग रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कि किस व्यक्ति को केंद्रीय कृषि मंत्रालय में निर्देशक बनाया गया है तो किस व्यक्ति को बनाया गया है केंद्रीय कृषि मंत्रालय में निर्देशक आंसर हो जाएगा बी परविंद्र श्योरोन को परविंद्र श्योरोन को बनाया है केंद्रीय कृषि मंत्रालय का निर्देशक नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर नोवा सब्जी एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है तो कहाँ पर किया गया है आंसर हो जाएगा सी घरोंडा गौंडा जो करनाल राज्य में करनाल जिले में सॉरी घरोंडा में नोवा सब्जी एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में कौन सा स्प्रिंग फेस्ट दो आयोजित किया गया है तो कहाँ पर किया गया है हरियाणा में स्प्रिंग फेस्ट दो का आयोजन तो राइट आंसर होगा बी पैंतीसवां हरियाणा राज्य में पैंतीसवां स्विमिंग फेस्ट दो का आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में स्नातक के कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है एक्सपर्ट कमेटी का चेयरमैन आंसर हो जाएगा डी राज नेहरू को राज नेहरू को नियुक्त किया गया है एक्सपर्ट कमेटी का चेयरमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा तो किस जिले में किया जाएगा ये हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा आंसर है हमारा फरीदाबाद और पानीपत में फरीदाबाद और पानीपत में सह स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा फरीदाबाद में कौन सा मेला लगते हैं फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है पता होगा ना सूरज कुंड मेला सूरज कुंड मेला लगता है और पानीपत की तीन फेमस लड़ाई हैं वो भी पता होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई दित्य और तित्ते लड़ाई ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कब कब हुई थी पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ कमेंट करके बताओ कब हुई थी ये तीनों लड़ाइयाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में कहाँ पर महिला आश्रम स्थापित किया जाएगा तो कहाँ पर किया जाएगा ये आंसर हो जाएगा सभी सिरसा रेवाड़ी और नालोन इन तीनों जिलों में महिला आश्रम स्थापित किया जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते तो कितने पदक जीतते हैं बताइए आंसर हो जाएगा डी एक सौ अट्ठाइस हाँ एक सौ अट्ठाईस पदक जीते खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किसके द्वारा गनगौर में गुप्ति सागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है नेचर क्योर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास आंसर हो जाएगा डी मनोहर लाल के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला नेत्रदान में सब पहले स्थान पर आया है तो कौन सा जिला है नेत्रदान में पहले स्थान पर आंसर हो जाएगा हमारा डी सोनीपत सोनीपत जिला है जो नेत्रदान में पहले स्थान पर आया है और आपको बता दें फ्रेंड्स सोनीपत ज़िले में कौन सा उद्योग है एटलेट साइकिल उद्योग जो तो सोनीपत ज़िले में ही है और सोनीपत ज़िले में मशरूम की खेती की जाती है सबसे ज़्यादा और सोनीपत जिले में ही सुअरों का पालन किया जाता है मतलब सबसे ज़्यादा सुअर भी कहाँ पाए जाते हैं सोनीपत ज़िले में ही पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में कहाँ पर पहले गवावा एक्सपो का आयोजन किया गया है कहाँ पर किया गया है ये आंसर दीजिए हरियाणा में सबसे पहले गवावा एक्सपो का आयोजन किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा डी बूना बूना शहर जो तो कहाँ पर है फतेहाबाद में फ़तेहाबाद के बूना शहर में गवावा एक्सपो का आयोजन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा फिल्म महोत्सव दो में किसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार मिला है किसे मिला है आंसर दीजिए दो हज़ार तेईस में किसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार मिला है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए घगर तेरा पानी अमृत इस फिल्म को मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी गई है तो किसके द्वारा लिखी गई है इसकी आधारशिला हमारा आंसर होगा बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा रखी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस बेटी को भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम काफ काफ का कप्तान बनाया गया है तो किसे बनाया गया है इसका कप्तान तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्रीति को प्रीति को बनाया गया है भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का कप्तान नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कितने जिलों में से मुंबई एक्सप्रेस गुजरेगा तो कितने जिलों से गुजरेगा हरियाणा के तो आंसर हो जाएगा सी तीन हरियाणा के तीन जिलों से मुंबई एक्सप्रेस गुजरेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा ग्रंथ अकादमी से संबंधित किस व्यक्ति को लघु कथा रतन सम्मान दिया जाएगा तो किस व्यक्ति को दिया गया है लघु कथा सम्मान आंसर है हमारा बी कमलेश भारती को कमलेश भारती को दिया गया हरियाणा ग्रंथ अकादमी से संबंधित लघु कथा रतन सम्मान फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करते जाना आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं एक लाइक का बटन ही तो दबाना है वो भी आपसे नहीं होता हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं और आप लाइक भी नहीं करते वीडियो को तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में हरियाणा फ़िल्म महोत्सव दो हज़ार तेईस का आयोजन किया गया है तो कहाँ पर किया गया है आंसर हो जाएगा ए हिसार ज़िले में हिसार जिले में किया गया हरियाणा दो हज़ार तेईस का फिल्म महोत्सव का आयोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में हरियाणा राज्य में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला आयोजित किया गया है तो कौन सा किया गया है तो आंसर हो जाएगा बी छत्तीसवा छत्तीसवें नंबर का सूरजकुंड मेला आयोजन किया गया है फरवरी 2023 में नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाएगी तो किस जिले में बनाई गई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तो राइट आंसर है हमारा ए रोहतक जिले में रोहतक ज़िले में बनाई गई है सबसे हल्की ब्लूट ब्लूट प्रूफ जैकेट और आपको बता दें रोहतक ज़िले में कौन सी झील है कौन सी झील है भिंडावास झील और तिलियार झील ये रोहतक जिले में ही है और रोहतक जिले में अस्तल भौर मठ भी है अस्तल भौर मठ अस्तल भोर मठ कहाँ है रोहतक में ही है और तिलियार झील और भिंडावास झील ये भी रोहतक ज़िले में ही पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य सेविंग अकाउंट में जमा राशि की बढ़ोतरी में कौन से स्थान पर है देश में कौन से स्थान पर है हरियाणा सेविंग अकाउंट में जमा राशि की बढ़ोतरी में तो हमारा आंसर हो जाएगा ए दसवें स्थान पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा तो किस जिले में बनाया जाएगा आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र आंसर हो जाएगा बी अम्बाला जिले में अम्बाला जिले में बनाया जा रहा है आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र और आपको बता दें अम्बाला जिले में मांझी साहिब गुरुद्वारा भी है कहाँ पर है मांझी साहिब गुरुद्वारा अम्बाला जिले में फ्रेंड्स आपको पता है करंट अफेयर से सभी एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए आप अपनी करंट अफेयर को की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और आप करंट अफेयर से संबंधित डेली पीडीएफ डी एफ वीकली क्विज मंथली पीडीएफ डी सिक्स मंथ की पीडीएफ हो ईयरली पीडीएफ हो वो आप यहाँ पर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट को ओपन करो यहाँ से और वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप करंट अफेयर से संबंधित किसी भी प्रकार के क्विज वीकली क्विज मंथली पी डी सिक्स मंथ की पीडीएफ हो या ईयर्स की पीडीएफ हो आप यहाँ पर आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर आगे चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे को हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की प्रेस लाकर समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो किसे चुना गया है हरियाणा की प्रेस लाकर समिति का अध्यक्ष आंसर होगा हमारा सी दीपक बंसल को चुना गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर भीम की बेहतर फिट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो कहाँ पर की जाएगी ये आंसर दीजिए आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र में भीम की बेहतर फिट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और आपको यह तो पता होगा कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी कौरव और पांडवों के बीच और ये कुरुक्षेत्र में लड़ाई कितने दिन हुई थी महाभारत की अठारह दिन तक हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है तो किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है जनवरी 2023 में आंसर है हमारा डी जिंद जिले का जिंद जिले का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में दूसरा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा तो किस जिले में किया जाएगा ये आंसर हो जाएगा ए फरीदाबाद में फरीदाबाद ज़िले में किया जाएगा दूसरा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है, है। हरियाणा राज्य की आर्थिक वृद्धि दर लगभग कितनी है तो कितनी है आंसर है आठ प्रतिशत है आर्थिक वृद्धि दर हरियाणा राज्य की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा पुलिस कौन सी बार में डिजिटल डीएनए मिलान प्रारूप का इस्तेमाल किया है तो कौन सी बार किया है डिजिटल डीएनए मिलान प्रारूप का इस्तेमाल तो आंसर है हमारा ए पहली बार पहली बार क्या है हरियाणा पुलिस ने डिजिटल डीएनए मिलान प्रारूप का इस्तेमाल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में कहाँ पर शहद गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला बनाई जा रही है तो कहाँ पर बनाई जाइए शहद की गुणवत्ता जाँच करने के लिए प्रयोगशाला आंसर है डी कुरुक्षेत्र राज्य में सॉरी कुरुक्षेत्र जिले में बनाई जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा राज्य सरकार ने किस जिले को टीबी समाप्त करने में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया है तो किस जिले को सम्मानित किया है टीबी समाप्त करने के बेहतर कार्य के लिए आंसर होगा डी महेंद्रगढ़ भिवानी और कैथल इन तीनों जिलों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का शिलान्यास किया है तो किस जिले में क्या है ये आंसर होगा ए फरीदाबाद जिले में फरीदाबाद जिले में क्या है बंद बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का शिलान्यास और किसने किया है मनोहर लाल खट्टर ने किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा का कौन सा जिला अमृत गोवंशों का अंतिम संस्कार सी एन जी मशीन में करने वाला पहला जिला बन गया है तो कौन सा ज़िला है ये तो आंसर होगा ये सोनीपत जिला बना है सबसे पहले गोवंशो मतलब गायों का जो अंतिम संस्कार करने वाला सी एन जी बनाने वाला पहला जिला बना है फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आपसे बार बार यही बोल रही हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाना अपने दोस्तों से शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक भी करो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है आपको ताकि हम आप आगे से आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेके आएँ आपके लिए जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है, है हरियाणा के किस जिले में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है तो किस जिले में किया गया है जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन आंसर हो जाएगा हमारा बी गुरुग्राम में गुरुग्राम जिले में किया गया जी ट्वेंटी शिखिर सम्मेलन का आयोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य देश में उच्च शिक्षा में कौन से स्थान पर है तो कौन से स्थान पर उच्च शिक्षा में हरियाणा राज्य आंसर हो जाएगा सोलहवें स्थान पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार राज्य में स्टाम्प ड्यूटी का कितना प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को देता है तो जल्दी से बताओ आंसर कमेंट करके कितना प्रतिशत हिस्सा देता है स्टाम्प ड्यूटी का पंचायत राज व्यवस्था को तो हमारा आंसर हो क्या होगा इसमें दो प्रतिशत हिस्सा देता है पंचायत राज व्यवस्था को हरियाणा सरकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का अपनी तरह का पहला एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा तो किस जिले में बनाया जाएगा एलिवेटेड पुल आंसर होगा हमारा ये ईसार जिले में बनाया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव में प्रतिदिन पाँच लाख लीटर दूध क्षमता वाला दूध प्लांट बनाया जाएगा तो किस गांव में बनाया जाएगा ये आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा डी बिधवास वित्तवास में प्रतिदिन पाँच लाख लीटर दूध की क्षमता वाला दूध प्लांट बनाया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के किस नगर निगम ने जीरो वेस्ट वेडिंग अभियान शुरू किया है तो किस जिले ने शुरू किया है ये जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या हो जाएगा हरियाणा के किस नगर ने जीरो वेस्ट वेडिंग अभियान शुरू किया है तो आंसर है हमारा बी पंचकुला पंचकुला नगर ने ये शुरू किया है ये या अभियान और आपको बता दें पंचकुला ज़िले में कौन सा गार्डन है पंचकुला ज़िले में पिंजोर गार्डन पाया जाता है और सुख सुकना झील भी पंचकुला ज़िले में ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में कहाँ पर इन इंडस्ट्रियल पार्कर बनाया जाएगा तो हरियाणा के कहाँ पर यह इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा आंसर होगा ए नांगल चौधरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किसके द्वारा मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलिटेंस दो हजार तेईस का ब्रोशर लॉन्च किया गया है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आंसर होगा ए मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिटेस दो दो हजार तेईस का ब्रोसर लॉन्च नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो जल्दी से बताओ आंसर इसका कमेंट बॉक्स में किसे नियुक्त किया गया है गुरुग्राम का नया अध्यक्ष तो आंसर हो जाएगा ए अरुण गुप्ता को नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में छः से उनसठ महीने के कितने प्रतिशत बच्चों को एनीमिया है तो कितने प्रतिशत बच्चों को है एनीमिया तो हमारा आंसर है बी सत्तर पॉइंट चार प्रतिशत बच्चों को एनीमिया है एनीमिया से पीड़ित हैं ये बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाने साथ ही साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन से स्थान पर है कौन से स्थान पर है आंसर है ये इक्कीसवें स्थान पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर राज्य स्तर पर बनाई गई है तो कहाँ पर बनाई गई है संत शिरोमणि रविदास की जयंती राज्य स्तर पर आंसर है सभी गुरुग्राम नरवाना और यमुनानगर इन तीनों जिलों में ये संत शिरोमणि रविदास जयंती बनाई गई है नेक्स्ट क्वेश्चन ने? है हरियाणा के किस जिले में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नया उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है तो किस जिले में किया जा रहा है ये आंसर दीजिए डी दी, पंचकुल्ला में पंचकुल्ला जिले में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नया उत्कृष्टा केंद्र स्थापित किया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में कहाँ पर वंदे मातरम वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी तो कहाँ पर बनाई जाएगी ये आंसर है बी सोनीपत ज़िले में हरियाणा के सोनीपत जिले में वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में छत्तीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूर्जकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया है तो आंसर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में किसने किया है इसका उद्घाटन छत्तीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूर्य मेले का उद्घाटन किया है तो किसने किया है हमारा तो आंसर हो जाएगा सी जगदीप धनखड़ ने जगदीप धनखड़ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूर्य कुंड मेले का उद्घाटन किया गया है और आपको पता होगा जगदीप धनखड़ कौन है तो जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति है हमारे देश के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति पूछा जाए तो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है तो हमारे देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू दुरु मूर है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ये तो पता ही होगा सबको तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है यहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं और या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे पी और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू और आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना थैंक यू फ्रेंड्स बाय बाय राधे राधे टेक केयर